हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद भावना। मैं भावना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में कुक विद भावना। आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्च के पकोड़े, जिसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने आधी कटोरी बेसन लिया है, 6 से 7 मिर्च ली हैं, और मसालों में मैंने हल्दी लिया है, ये धनिया पाउडर है, ये चाट मसाला है, और ये नमक है। फ्रेंड्स, अब हमें और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम इसमें मिर्च नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इनके अंदर ही मिर्च है। ये हम छोटी वाली मिर्च के मिर्च पकोड़े बना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। फ्रेंड्स, मिर्च को हम बीच में से चीर लेंगे, जिससे ये तेल में जाके फटे ना। हल्का हल्का सा ही कट मारेंगे फ्रेंड्स, हमें पूरी नहीं काटनी, बस बीच में से चीरेंगे इसको, जिससे ये फटे ना। हम सारी मिर्च को ऐसे ही चीर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं सारी मिर्च को चीर रही हूँ। हमने सारी मिर्च चीर लिए फ्रेंड्स। बेसन का घोल बनाएंगे। इसका घोल हमें टाइट बनाना है, मतलब कैड़ा बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब फ्रेंड्स, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बेसन को अच्छे से फैट लूँगी। ज़्यादा पानी ना डालें फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से फैट लें, क्योंकि हमें टाइट ही बेसन चाहिए, पतला नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे आपको मिर्च के पकोड़े बाज़ार में सॉफ्ट सॉफ्ट मिलते हैं ना, ये सॉफ्ट पकोड़े नहीं बनेंगे, ये हम क्रिस्पी बनाएंगे। आप देखना मैं कैसे बनाऊंगी इनको क्रिस्पी। अच्छे से फैट लेंगे फ्रेंड्स। मैंने बेसन को अच्छे से घोल लिया है, ये कुछ ऐसा लग रहा है, हमें इतना ही टाइट चाहिए था। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, और थोड़ा सा ये हमने चाट मसाला लिया था ना, इसको हल्का सा बचा लेंगे और सब डाल देंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालें फ्रेंड्स, मैंने सारा मसाला डाल दिया है, ये हल्का सा मैंने चाट मसाला बचाया है। अब इसको भी अच्छे से घोल लेंगे फ्रेंड्स। घोल लिया है, अब हम गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे, जिसमें तेल डालेंगे। हमने पैन चढ़ा दिया है, अब उसमें हम तेल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हम पकौड़े को फ्राई करेंगे तो तेल हमें ज़्यादा ही चाहिए होगा, हम इसमें तेल ऐड कर रहे हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, सरसों का तेल। फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया, इसको गर्म होने देंगे। अच्छे से बेसन से ढक लेंगे, इसको हाथ की सहायता से बेसन में ढकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको घुमाते हुए, ऐसे घुमाते हुए इसके ऊपर हम ये बेसन चढ़ा लेंगे अच्छे से। ऐसे ही हम सारी बाकी मिर्च को करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिर्च पे अच्छे से बेसन चढ़ गया है। सारी मिर्चों को तैयार कर लिया है, और तेल भी हमारा लगभग गर्म हो गया है। अब ये हम मिर्च के पकौड़े तेल में डालेंगे, को कम करेंगे, और अब ये मिर्च के पकोड़े हम तेल में डालेंगे, इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मिर्च तेल में डाल दिए फ्रेंड्स, उसको हल्के हाथ से चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए मिर्च से हमारे गोल्डन भी होने लगे हैं। अब इनको पलट देंगे, पलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस को बिल्कुल लो कर रखा है, और हल्के हाथ से इसको फ्राई कर रही हूँ। स्टेज पे हम ये सारे मिर्च के पकोड़े बाहर निकाल लेंगे। हम सारे मिर्च के पकोड़ों को ऐसे बीच में से काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं काट रही हूँ, सबको बीच में से काट लेंगे। फ्रेंड्स, ये आप ठंडे होने के बाद काटें, क्योंकि गर्म गर्म में आपका हाथ जल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबको काट लिया है। अब हम फिर से अपना तेल गर्म करेंगे। गर्म हो गया, गैस को हमने सिम कर रखा है। ये जो इसके कॉर्नर, जो ये कॉर्नर खाली है ना फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे डिप करेंगे जिससे ये भर जाए, और इसको फिर से फ्राई करेंगे जिससे ये क्रिस्पी हो जाएंगे। हम सारे ही सारे पकौड़ों को ऐसे कॉर्नर को डिप करके फिर से फ्राई करेंगे। मैं फ्रेंड्स डिप कर करके इनको पैन में डाल रही हूँ। गैस को मैंने लो कर रखा है, जिससे ये अच्छे से फ्राई हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। ये सारे पकौड़ों को पैन में डाल दिया है, तो इनको पलटते पलटते हुए अच्छे से और फ्राई कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम इनको निकालेंगे ना, अब देखना ये कितने क्रिस्पी हो जाएंगे, बहुत टेस्टी लगेंगे फ्रेंड्स। इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हो, नाश्ते में स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हो, और फ्रेंड्स इसको आप खाने के साथ भी खा सकते हो, जो बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। मेरे मिर्च के पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे।
बिल्कुल तैयार है मेरे क्रिस्पी मिर्च के पकोड़े। अब हम इसमें फ्रेंड थोड़ा सा जो हमने चाट मसाला बचाया था ना, ये ऊपर से इस पर हल्का सा डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और इसे खाने में और ज़्यादा स्वाद आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने करारे बने हैं, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। फ्रेंड्स, मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है। अगर आपको ये मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।